सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। किसी से प्रतिशोध लेने का आनंद केवल 2 दिन तक ही रहता है, जबकि उसे क्षमा कर देने का आनंद जीवन भर रहता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आज का पंचांग 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिप्रदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 5:11 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:30 से 9:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 10:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को हरियाली अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार, एक आर्थिक हानि आपको दुख पहुंचा सकती है। गलत और सही का फिर से मूल्यांकन करने के लिए यह अच्छा समय है। अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का विश्लेषण करें जो लंबे समय तक आपके लिए लाभदायक होगा। इस पल में आराम करें, अपना ख्याल रखें और बदलाव के लिए तैयार रहें। सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगे। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है, किंतु आने वाले समय में आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिसकी अभी सपने देख रहे हैं। आप उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाएंगे जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर रही है और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। किसी पुराने निवेश से आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। साथ ही परिवार से संबंधित भविष्य संबंधित योजना में विचार विमर्श होगा और बेहतर हल भी मिलेंगे। युवाओं को किसी के सहयोग से अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी। जरूरी बातों पर गहराई से विचार करें, सोच समझकर निर्णय लें। लोग भले ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी ही बातों पर टिके रहने की आवश्यकता है। फिलहाल किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा न रखें, केवल अपने काम और कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करें। आपकी कार्य क्षमता के अनुसार अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखें। करियर में जो आप बदलाव करना चाहते हैं उससे संबंधित प्रगति उससे संबंधित प्रयत्न शुरू करें। पार्टनर के स्वभाव में बदलाव ना होने से विवाद हो सकता है। सावधानियां, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए भी अपमानित होने का कारण बनेगा, इसलिए संयमित रहें। बच्चों की किसी समस्या के समाधान से अपना सहयोग अवश्य दें, इससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित कोई भी निर्णय आज स्थगित रखें तो बेहतर है। बात करते हैं लव लाइफ की। प्यार में मिला धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की तरफ ले जाएगा। आपके दोस्त और परिवार इन स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। रिश्ते में हैं तो अपनी साथी को लुभाने के लिए आज से अच्छा समय नहीं मिलेगा। दादा नाना या अन्य बुजुर्गों के स्वभाव के कारण अस्पताल जा सकते हैं। आज सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है। आप अपने प्रेम संबंध में एक नए मोड़ का अनुभव करेंगे। यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएगा। नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है। अगर लोगों को चाहते हैं तो दोस्ती से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा। बात करते हैं करियर की। कड़ी मेहनत के कारण आज आपकी सफलता निश्चित है। सपनों को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन निवेश या फालतू व्यय से बचें। बचने के लिए आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। किसी रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात भी आपके कार्ड्स में है। साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रही है। हो सकता है कि जीवन के इस चरण में आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपका भविष्य शानदार होगा। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें
और जल्द ही आप विजेता के रूप में उभरेंगी। याद रखिए, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। बात करते हैं सेहत की। जल्दबाजी और एसिडिटी जैसी समस्या से राहत पाने के लिए संतुलित खान पान रखें, आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करें। शुगर संबंधित बीमारी भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शिव मंदिर में दीपदान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।